धार जिले के नालछा पंचमुखी हनुमान मंदिर पर शाम 7 बजे भारत माँ की आरती और युवा उद्बोधन हिंदू जागरण मंच के द्वारा रखा गया, जिसमें युवाओं द्वारा शहीद आजम भगत सिंह के लिए अपने विचार व्यक्त किए और उन्होंने भगत सिंह द्वारा लिखे गए विचार भी बताए। जिंदगी तो सिर्फ अपने कंधों पर ही जी जाती है, दूसरों के कंधों पर तो सिर्फ जनाजे उठाए जाते हैं। यह विचार भगत सिंह के सभी को बताए गए हैं। साथ ही युवाओं द्वारा बताया गया कि उन्होंने भगत सिंह जी के विचार जानने के बाद उनके दिल में भी देश प्रेम जागा है और उन्होंने बताया कि जिस प्रकार भगत सिंह जी ने अपने जीवन का सर्वोच्च राष्ट्र के लिए समर्पित कर दिया, इसी तरह हमें भी भारत माता और राष्ट्र के प्रति त्याग और समर्पण करना चाहिए। नालछा से विनीत यादव की रिपोर्ट। सिंह जी से क्या प्रेरणा मिलती है? सिंह जी से हमें ये प्रेरणा मिलती है कि वो जो देशभक्ति जो उन्होंने जो 23 साल की उम्र में जो दिखाई, जो देश सेवा उनके मन में जो थी, इतनी छोटी सी उम्र में उन्होंने जगाई थी, उसी प्रकार से हमें भी अपने जीवन में देशभक्ति और देश के प्रति जो भाव है वो अच्छे उज्ज्वल बड़े रखना चाहिए। और जो देश का युवा अभी जिस पीढ़ी को जो हम देख रहे हैं कि मोबाइल में लगा हुआ है, जो देश दुनिया के बारे में कम सोचता है, उसे अपनी सोच बदलते हुए अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा और अपने महापुरुषों के बारे में बताना चाहिए। यही बस हमारे जन्मदिन मनाने का भगत सिंह जी का यही उद्देश्य था कि युवा आगे आए और इन चीज़ों को सब अपने जीवन में उतारें। जी आपका नाम? मेरा नाम अरिजीत यादव। बोली कर वतन मुश्किल में है, सर पड़ोसी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है, खेलिए हथियार दुश्मन ताक में बैठा उधर, और हम सीना लिए तैयार है बैठे इधर, खून से खेलेंगे होली कर वतन मुश्किल में है, सर फरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, इंकलाब जिंदाबाद। आज कार्यक्रम के संबंध में, आज कार्यक्रम भगत सिंह जी का जन्मदिन था उसी संबंध में था। क्या प्रेरणा मिलती है आपको भगत सिंह जी से? भगत सिंह जी से यह प्रेरणा मिलती है कि जो नव युवा है उन्हें इनके बारे में कुछ पता ही नहीं, और भगत सिंह जी का नाम सुनते ही जो ऊर्जा हमारे अंदर प्रेरित होती है, वो ऊर्जा अन्य क्रांतिकारियों के नाम सुनते ही नहीं आती है, यही प्राप्त होती है। आपका नाम? विकास वर्मा। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।